ए वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन। और 14 अगस्त जारी बात है, पाकिस्तान की आजादी का दिन है, लेकिन पाकिस्तान में ये तासुर बड़ा तेजी से पकड़ता जा रहा है कि हम तो आजाद ही नहीं हुए। कि क्या हमने जिंदगी कर्जों में रहकर गुजारनी है? क्या हमने जिंदगी मांग कर गुजारनी है, कशकोल की जिरे गुजारनी है? कोई कर्जा नहीं लिया तुमने, इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए। ना हमारे पाँव में सही जूती है, ना हमारी कोई दवाई है। तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी। अगर हम मर गए तो हमारे पास कफन के पैसे भी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। दे रहे तो आजादी हमारी क्या है, हम तो अपने बच्चों को पाल नहीं सकते। बिजली की कीमत को कम करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को उभारने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर होगा तो वो इंशाल्लाह ये जरूर होगा। दफनाने के लिए भी 2 लाख रुपए चाहिए। हमारे पास इधर जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। वो जाते ही कहते हैं 50,000 रुपए इसका होगा, पर्ची होगी, और 1 लाख रुपया कफन और दफन पे लग जाता है। फिर जब वहाँ से आते हैं तो वो कहते हैं इसके लिए को खत्म को न्याज नजर को दे दो। पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन। तो हम रोए ना तो क्या करें, इनकी जान को रोए क्या करें, हमारे साथ तो इन लोगों ने जुल्म किया। क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया के सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे की बजाय बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज पूरा पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न जरूर मना रहा है, परंतु जिस तरह महंगाई और गुर्बत से मुल्क की आवाम सड़कों पर भीख मांग रही है, उसे देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। जी हाँ, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने 78 सालों में मुल्क की आवाम को आज इतना बेबस कर दिया है कि पाकिस्तान में रहने वाली आवाम आज़ाद होते हुए भी गुलामी का जीवन जी रही है। जी हाँ, क्योंकि मुल्क की आवाम जिस तरह से टैक्स भर रही है और अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाली आवाम ही महसूस कर रही होगी। आज पाकिस्तान में आटा, तेल, चीनी, यहाँ तक कि मरने के बाद कफन खरीदने तक के लिए पाकिस्तान की आवाम को एक बार सोचना जरूर पड़ता है। जी हाँ, 78 सालों में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आज़ाद मुल्क को दोबारा गुलाम करवाने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। खैर दोस्तों, आप छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मुल्क आज़ाद करके कायद आजम साहब ने हमें दिया, इलामा इकबाल ने दिया, लियाकत अली खान ने दिया, ये वो लोग थे, वो हीरो थे पाकिस्तान के। इन्होंने आकर जीरो कर दिया इस पाकिस्तान, कुछ भी नहीं छोड़ा। ना हमारे पाँव में सही जूती है, ना हमारी कोई दवाई है, ना हमें कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर हम मर गए तो हमारे पास कफन के पैसे भी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे बनाया जाए। मसला रखिए अंकल जी। तो हम रोए ना तो क्या करें, इनकी जान को रोए क्या करें। हमारे साथ तो इन लोगों ने जुल्म किया है, हमारे बड़ों ने ये पाकिस्तान आज़ाद कराया था, अपनी कुर्बानियाँ दे के, अपनी इज्जतें लुटा के, उसका ये समारा में मिल रहा है। अब दफनाने के लिए भी 2 लाख रुपए चाहिए। हमारे पास इधर जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। वो जाते ही कहते हैं 50,000 रुपए इसका होगा, पर्ची होगी, और 1 लाख रुपया कफन और दफन पे लग जाता है। फिर जब वहाँ से आते हैं तो वो कहते हैं इसके लिए को खत्म को न्याज नजर को कोई कर्जा नहीं लिया तुमने, इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए तुमने, इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासिबा। अगर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसलत कर दिए गए, अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजाने पे। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं। क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों
लोगों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहां पर पाबंदियां ही लगाएगी। या जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहा कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है, उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर आजम को रुख्सत करके वहां पर अपनी हुकूमत चलाए।